हेलो एवरीवन, गर्मी के मौसम में ठंडी का एहसास कराने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मसाला छाछ। ये पीने से आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, लू नहीं लगेगी और इसको बनाना बहुत आसान है। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें एक तवा लेना है, उसके अंदर में धनिया और सौंफ, जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, काली मिरी डालना है और ये सबको हमें हल्की आंच पर सेकना है। इसको बस खाली हमें हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं सेकना है। बस इसकी हल्की हल्की अरोमा आएगी तो समझ जाना कि हमारा मसाला सीख गया है। मसाले को थोड़ा सा ठंडा करके फिर इसको हमें हल्का दरदरा पीस लेना है। ये वाले मसाले को आप स्टोर करके एक साल के लिए भी रख सकते हो, ये बिल्कुल ही फ्रेश रहेगा। आपको जब छाछ बनानी है तब इसका प्रयोग कर सकते हो। हमने मसाला देखिए पीस लिया है और उसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है और ये मसाला हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसको हम छाछ में डाल के पीते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है और हमें लू नहीं लगती है और हमें गर्मी से बचाता है। चलो तो अभी छाछ बनाते हैं। मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर में 2 चम्मच मसाला डालेंगे, 1 चम्मच काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया पुदीना डाल देंगे और सबको मिक्स कर लेना है। अभी इसके अंदर में डालेंगे दही। मैं यहाँ पे पैकेट वाला दही ले रही हूँ। दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, कुछ ना कुछ ज़रूर कर देना। अभी हम मथनी से छाछ को अच्छे से घुमा लेते हैं और ऐसा करने पर जो हमने डाले हैं पुदीना, धनिया और मसाला, सबका इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना, बस ये बनती है तब से ही इसकी खुशबू आने लगती है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि दही हमारा गाढ़ा था, तो इसमें 2 ग्लास के जितना पानी ऐड करेंगे और वापस से इसको मिक्स करेंगे। दोस्तों, अभी गर्मियों की शुरुआत हो गई है तो आपको ये वाली छाछ अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए जिससे कि आपको गर्मी ना लगे। हमारा छाछ बनके तैयार हो गया है, अभी इसको सर्व कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा टेम्पटिंग बना रही हूँ तो मैंने एक प्लेट के अंदर में थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक डाल दिया। अभी इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और एक ग्लास लेंगे, उसके ऊपर में थोड़ा सा ऑरेंज जूस लगाएंगे और ग्लास के किनारों पर ये वाला मसाला लगा देंगे। ऐसा करने पर जो ग्लास रहता है ना, इतना अच्छा लगता है और जब हम पीते हैं तो छाछ हमारी हल्की थोड़ी तीखी, चटपटी, खट्टी मीठी लगेगी। तो हमने मसाला कर दिया है, अभी ग्लास के अंदर में थोड़ा सा बर्फ़ डालेंगे। मैं छाछ को थोड़ा ठंडा बना रही हूँ तो इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ डाल देंगे, फिर हमारा बना हुआ छाछ डालेंगे तो हमारा मसाला छाछ बनके रेडी हो जाएगा। दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे तरीके से ये वाली रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट करके बताना मेरी छाछ की रेसिपी आपको कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। छाछ की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।